उमर खालिद के लिए लगता है कि सब कुछ एक कठोर दरवाजा बना दिया गया है, लकड़ी का ऐसा दरवाजा जहाँ इंसान नहीं खड़ा है, लकड़ी का कुछ लकड़ी की मूर्तियां ही बनी हुई है, वही फैसले ले रही हैं, उनका शायद दिल नहीं धड़कता है कि मीडिया के इस प्रेस से उमर खालिद को धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेल दिया गया, किनारे कर दिया गया। लेकिन आप सब ने आकर जता दिया कि लड़ाई भुलाई नहीं जा सकेगी। उमर खालिद की जितनी भी तस्वीरें आई इस दौरान, जहाँ भी छपी या चंद वीडियो में नजर आए, मैंने एक हंसता हुआ लड़का देखा। जो भी मीडिया आईटी सेल पॉलिटिकल पार्टी के जरिए एक पीएचडी के छात्र को देशद्रोही के रूप में स्थापित कर दिया, कानून के हाथ लंबे नहीं, उस कानून के हाथ रंगे हाथ लिए थे। इस वक्त एक ओवल में फालतू का मुकाबला चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में, ट्वीट करके अपने आप को क्रिकेट प्रेमी बता रहे होंगे। भीमा कोरेगांव केस में लोगों के कंप्यूटर में फर्जी फाइलें डाल दी गई। राज्य के पास ताकत तो बहुत है, लेकिन आप लोगों के पास इरादे भी कुछ कम नहीं है। उमर खालिद एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। एक हजार दिन से उमर खालिद जेल में है, 1000 दिन हो गए, ट्रायल शुरू हुई, हमने तमाम बहसों में कानून के फैसलों में यही पढ़ा और समझा, अदालतों की टिप्पणियों में देखा और जाना भाई भाई कि जमानत अधिकार और जेल अगवा 1000 दिन उमर खालिद के जेल में ही हो गए। और आज आप सभी जो भी इस मौके पर यहाँ जमा है, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा है, और आप सबके सैकड़ों मोबाइल फोन के जरिए जो लाइव लोग देख रहे हैं, उन सब ने बहुत बड़ा काम किया। पूरी कोशिश यही है कि उमर खालिद की लड़ाई भुला दी जाए, लेकिन आप सब ने आकर जता दिया कि लड़ाई भुलाई नहीं जा सकेगी। उसकी अकेले की लड़ाई अंदर की है, लेकिन बाहर भी आप उसकी यातनाओं को जो वो झेल रहे हैं आप महसूस करते रहे। हमने पिछले 9 सालों के दौरान राज्य के हिंसा करने की क्षमता को बदलते हुए देखा। अब राज्य अपनी पार्टी, मोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए आप पर मानसिक हिंसा करता है, आपको बदनाम करता है। और इसकी शुरुआत अगर ठीक तरीके से देखी जाए, संगठित तरीके से देखी जाए, तो उमर खालिद से होती है। भगवान जाने में उन टीवी चैनलों के स्टूडियो में चले गए संदीप में, इन चैनलों के जरिए किसी की बात रखी जाती है, किसी का पक्ष रखा जाता है, मगर जब तक वो जाते तब तक चैनलों ने अपना रुख हमेशा हमेशा के लिए आने वाले 10-12 साल और न जाने और कितने साल के लिए बदल दिया। तो मोदी मीडिया आईटी सेल पॉलिटिकल पार्टी के जरिए एक पीएचडी के छात्र को देशद्रोही के रूप में स्थापित कर दिया गया, समाज की नजर में उसे कमजोर कर दिया गया, जो पहले से ही कमजोर नहीं जानता था कि इसके पीछे इसकी तैयारी के सिस्टम ने हमले के सामान जुटा लिए। दूसरा तरीका, राज्य ने अपनी हिंसा का ये बदला, ये आप सभी जो सुन रहे हैं उसे समझना भी चाहिए कि पहले राज्य कानून की धाराओं की आड़ में छिप कर हिंसा करता था, लेकिन अब हिंसा करने के लिए वो कानून बनाने लगा है ताकि वो खुलकर हिंसा कर सके। ये बदलाव आया है और आज राज्य हम सब देख रहे हैं, सिर्फ उमर खालिद नहीं, सुमन सेन भी हैं भीमा कोरेगांव केस में, 5 साल से अंडर ट्रायल। जब बड़े बड़े न्यायाधीशों को अंडर ट्रायल के बारे में बोलते हुए सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि यही 2-4 केस उन्हें भी नजर नहीं आते होंगे, या उन्होंने भी अपनी सुविधा के हिसाब से इन कुछ केस को देखना सुनना बंद कर दिया, इस तरह से कि ये केस छोड़कर बाकी और केस पर बोला जाए। तो कभी भी सबके सामने भी है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की है जमानत को लेकर, सबके सामने ये बात है, मगर कभी भी
हजार दिन तो सुनवाई चली है दिल्ली की निचली अदालतों में, केतवा शर्मा ने लिखा है, और कोई 400-300 दिन दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरह से जमानत को लेकर सुनवाई चलती रही। इसके बाद भी जमानत एक इतनी मुश्किल उम्मीद इस लड़ाई में बनकर सामने आ गई। यही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी कभी न्याय व्यवस्था की अंतरात्मा किसी रात को जगती होगी, और जब जग जाएगी तो देखेगी कि कानून के हाथ लंबे नहीं, उस कानून के हाथ रंगे हाथ भी होते हैं। इसे नजर आएगा, वो बात समझ में आएगी कि क्या हो रहा। हम सब ने यह भी देखा है कि मीडिया के स्पेस से उमर खालिद को धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेल दिया गया, किनारे कर दिया गया, ताकि भुलाने की प्रक्रिया में तेजी आए। मैं अक्सर सोचता हूं कि जो लोग शुरू में बोला करते थे वो लोग आगे चलकर बोलने की प्रक्रिया से ऊब गए या उस प्रक्रिया के सहयात्री हो गए, जिसने ये तय किया है कि हम जब किसी के साथ इस तरह की यातना करेंगे, उनकार धाराओं में उसे बंद कर देंगे, तो उसे भूल जाना होगा, उसे उसके हाल पर छोड़ देना होगा। उमर खालिद की जितनी भी तस्वीरें आई इस दौरान, जहां भी छपी या चंद वीडियो में नजर आए, मैंने एक हंसता हुआ लड़का देखा, लेकिन उस हंसी को देखकर अपने भीतर उदासी बन जाती थी कि हंसी जो है वो अपने लिए नहीं, वो हम सब के लिए छोड़कर जा रहा है। कि आप शायद अपनी जिंदगी में सामान्य होंगे, इस वक्त एक ओवल में फालतू का मुकाबला चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में, ट्वीट करते अपने आप को क्रिकेट प्रेमी जता रहे होंगे, जता सकते हैं, बिल्कुल अपनी जिंदगी जी सकते हैं और जिंदगी को उसी रोशनी और संगीत के साथ जी सकते हैं। मगर याद करने का जो कर्ज था नागरिकों का, बहुत लोगों ने भुलाया और ये होते हुए हमने देखा। उनके लिए एक ऐसा विषय बन गया जिस पर लिखना, जिस पर बोलना राज्य से टकराने के जैसा हो गया, वो अपना हिम्मत हारने लगे। लेकिन यहाँ आकर यही लगा कि शायद मैं उन दो चार लोगों की परवाह कर रहा था, आप हजार लोगों को, सैकड़ों लोगों को नहीं देख रहा था जो आप राज्य से लड़ रहे हैं। राज्य कई तरह के सेंसर लगा रहा है, लेकिन फिर भी आप बातों को पहुंचाने के लिए अपने कैमरे हाथ में थाम कर खड़े, ये बहुत बड़ी बात। मैं याद करना चाहता हूं उमर के साथ आज केतवा शर्मा को भी, जिन्होंने दिल्ली दंगों के मामले में शानदार रिपोर्टिंग की, आज भी की है केतवा ने, और पहले भी सपूरा के मामले में उन्होंने शानदार रिपोर्टिंग की, और जिसकी वजह से लोगों ने जाना कि नताशा नरवाल, दिवंगत कालिता, इन सब के साथ क्या हो रहा है। इन्हें जमानत मिली, लेकिन उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। अब इस केस के बारे में इस तरह से आज केतवा ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस की गवाहियों में, इसकी दलीलों में कितने अंतर विरोध अंतर पाए गए हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, और आप सभी को पढ़ना चाहिए कि एक पत्रकार ने, आप पत्रकारिता सीखने के लिए भी पढ़ना चाहिए कि अपनी उस बात को कहने के लिए केतवा शर्मा और उनकी टीम ने कितने हजार पन्नों के दस्तावेजों को पलटा होगा, और उनके वकीलों ने जो उमर के साथ लड़ रहे हैं उन लोगों ने कितने कानून की किताबों को पलटा होगा कि इंसाफ और जमानत तक के दरवाजे तक उमर खालिद को ले जाए। मगर लगता है कि वो दरवाजा, उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा कर दिया जा रहा है, या शायद उमर खालिद के लिए ही बहुत लंबा है, या सोमा सेन के लिए बहुत लंबा है, स्टेन स्वामी के लिए जो दरवाजा कभी उस दरवाजे तक पहुंच नहीं पाए, इस दुनिया से चले गए, और भीमा कोरेगांव केस में क्या हो रहा है ये सब हम सब देख रहे हैं। नीहा मसीह ने कितनी बार इन सब चीजों को याद करने की जरूरत है। वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए रिपोर्ट की कि भीमा कोरेगांव केस में लोगों के कंप्यूटर में फर्जी फाइलें डाल दी गई, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री की हत्या की कथित साजिश के आरोप में आरोपी बनाया जा सके, और लोग इन धाराओं में, इस मामले में कई महीनों से जेल में हैं। इसलिए उमर को याद करना, उमर के साथ साथ इन तमाम मामलों में बंद कर दिए गए लोगों को याद करना भी है, और ये अच्छी बात है कि रोना विल्सन को कोई याद नहीं कर पाता है, सोमा सेन को कोई याद नहीं कर पाता है, जो कुछ बंदिशें लगी हैं याद करने वालों ने अपने लिए कुछ कायदा चुन लिया है कि हम इन्हें याद करेंगे, इन्हें याद करने में ज्यादा सुरक्षा है, इन्हें याद करने में ज्यादा खतरा है, तो अपनी सुविधा के हिसाब से किसी को याद करते हैं, किसी को याद नहीं करते। उसमें उमर खालिद की जगह अभी ऐसी बनी हुई है, आप लोगों ने बनाकर रखा है,
कि लोग आप लोग उसे याद करेंगे और जब भी उसे याद करेंगे उसके चेहरे के साथ साथ इन सभी चेहरों का चेहरा सामने आएगा। और आपके पिता एसटीआई रियासी जी, जब हम अपनी रिपोर्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे थे तो आपके पास न जाने कितनी मर्तबा हम लोग अपने कैमरे को लेकर गए हैं और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपके बयान लेने के लिए मैंने आपकी चौखट पर तमाम बड़े मीडिया को देखा है जो अब शायद आपसे दूरी बनाता होगा किसी एहतियात की चिंता में या किसी सरकार की चिंता में, वो जो भी है। लेकिन प्रेस क्लब की यह सभा आश्वस्त करती है कि राज्य के पास ताकत तो बहुत है लेकिन आप लोगों के पास इरादे भी कुछ कम नहीं है। आप लोग याद कर रहे हैं उसे, इस हजार दिन को आपने यूं खाली जाने नहीं दिया, याद करके बता दिया कि नाई साथियां जहां जहां दर्ज है हम उन्हें पहचानते रहेंगे, उनके बारे में हम लौटते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे। हम और आप यही काम कर सकते हैं इस उम्मीद में कि कभी ना कभी किसी का ईमान जागेगा, और ईमान जागता है। अब लोग उन फैसलों को पलट कर देखेंगे, उन गवाहियों को देखेंगे। दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो लोग समझेंगे कि उनके हाथ से किस तरह की नाइंसाफी हो रही है। उनकी रातों की नींद भी खराब होगी किसी वक्त में जब वो खुद किसी नाइंसाफी के दौर से गुजर रहे होंगे, तो अपने द्वारा की गई नाइंसाफियों को याद तो करेंगे ही। हम सब याद करते हैं, वो भी इंसान है, वो भी याद करेंगे। लेकिन उमर खालिद के लिए लगता है कि सब कुछ एक कठोर दरवाजा बना दिया गया है, लकड़ी का ऐसा दरवाजा जहाँ इंसान नहीं खड़ा है, लकड़ी का कुछ कुछ लकड़ी की मूर्तियां ही बनी हुई है, वही फैसले ले रही हैं, उनका शायद दिल नहीं धड़कता। हम कोशिश करते रहेंगे कि उमर खालिद के साथ जो मामला है उसको उठाते रहें, आप लोग बोलते रहें। बोलने के लिए बहुत जरूरी है कि इस केस के डिटेल में जाएं, जिस तरह से बेतवा शर्मा ने आज रिपोर्टिंग की है। इतनी बड़ी मीडिया की फौज है दिल्ली शहर में, पूरे देश की मीडिया को खत्म कर दिया गया कि दिल्ली में मीडिया है, क्योंकि नेशनल मीडिया है वो राज्यों और जिलों की परवाह करता है, लेकिन अंत में ये नेशनल मीडिया भी खत्म हो गया और आज आपके बीच उसकी मौजूदगी नजर नहीं आती। कोई हाथ उठाकर नहीं कह सकता कि हाँ वो यहाँ पर खड़ा है, उसके चैनल पर उसका लाइव प्रसारण हो रहा है। अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए ताली बजा दीजिएगा, नहीं तो आप सब अपनी निष्ठा और अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति पूरी ताली बजा दीजिए, आपके लिए तो कोई आएगा नहीं। इस ग्रुप में आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सब ने आज उमर खालिद को याद किया है। ट्विटर पर जिन लोगों ने लिखा है, जो यहाँ नहीं आए हैं उनकी सॉलिडारिटी को भी स्वीकार करना चाहिए, उसे भी मंजूर करना चाहिए, उसे भी एक तरह से उसकी पहचान होनी चाहिए। कैसे तमाम अनजान लोगों के जरिए भी ये बात दुनिया तक फैलती है कि एक नौजवान लड़के को जिसकी पीएचडी चार्जशीट से पहले अदालतें उसकी पीएचडी पढ़ लें तो उसके बारे में नजरिया बदल सकता है, लोग देख सकते हैं कि वो एक छात्र के रूप में कैसा रहा होगा। उमर खालिद की दोस्त आकांक्षा अपेक्षा प्रियदर्शनी का मैं एक नोट पढ़ रहा था कि जब वो मिलने गई और उमर खालिद ने बताया कि कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कई लोगों को जेल से बाहर जाने की इजाजत दी गई, और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि आप अभी तक यहीं हैं। मतलब उस महामारी में भी किसी को ये याद रहा कि इस एक कोई उमर खालिद है जिसे बाहर नहीं भेजना है। उस महामारी में भी उसकी पहचान याद रखी गई, उसकी निशानदेही को याद रखा गया। इस तरह की नाइंसाफियां जो एक आम कैदी को मिलनी चाहिए वो भी उसे नहीं मिलती नजर आ रही, ये बहुत चिंता की बात है। और जब तक ये है, अदालतों के मंच से बड़े बड़े न्यायाधीशों का बोलना हमें खाली सा लगता है, हल्का सा लगता है कि वे अंडर ट्रायल और अधिकारों की बात बहुत संजीदगी से करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो बात कहने के लिए करते हैं, नहीं तो ये बात अपने फैसलों में ही पलट कर देख लेते कि जब सबके लिए वो फैसला हुआ था तो क्यों इस व्यक्ति के लिए, क्या वो व्यक्ति इतना ज्यादा खतरनाक है। मीडिया अगर धारणा बना दे, वो भी मीडिया का एक है, रोज दंगाई मानसिकता फैलाता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, और उस तरह के एंकरों से किसी को देशद्रोही बना दिया जाता है, उस पर राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था उसे लेकर इतना क्रूर हो जाती है, कोई दया भी नहीं दिखाती है, उसका प्रदर्शन नहीं करती। हमारे तमाम न्यूज चैनलों के एंकरों ने बुलंदशहर के मामले में क्या हाल किया आप सभी ने देखा। वो कल्पना कर लेते हैं मूर्तियां जिन्होंने खंडित की वो किस समुदाय के हों, वो रिपोर्टिंग अब नहीं करते। इसी तरह से उन्होंने उमर खालिद के बारे में कल्पना कर ली और उसे वास्तविकता में बदल दी।
ये तो गनीमत है कि वहां की पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात समझ में आ गई कि कुछ खतरनाक चीजें हैं। वो अपराधी पकड़े गए और उनके धर्म का नाम राम का धर्म कुछ और निकल आया, नहीं तो पता नहीं वो एंकर उस घटना के बहाने समाज में कितनी जहर और कितना आग फैला दिया होगा और किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं इस तरह से। तो इन बातों को देखना है, समझना है कि उमर खालिद एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ है, जिसके तहत तंत्र ने अपना पहला परीक्षण किया कि क्या किसी निर्दोष छात्र को इस तरह से चिन्हित कर देशद्रोही बताकर उसे एक तरह से देश के लिए खतरे के रूप में प्रोजेक्ट कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। लोक लाज की परवाह भी छोड़ दी, स्टेन स्वामी के निधन के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यही आज की सरकार का उसका उसकी समझ है या उसकी पहचान है। हम सबको ये नोट करने की बहुत जरूरत है। उन एंकरों को कुछ नहीं होता जो दिन रात दंगा फैलाते, दिन रात अनाथ शनाथ दूसरे समुदाय के बारे में कहते हैं, लेकिन दंगा भड़काने के आरोप में एक पीएचडी के छात्र को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जिसके मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुई है और ना ही चार्जशीट वगैरह इन सब ये चीजें पेश हुई है, ना जमानत मिली इस मामले। तो हमें इस अंतर को पहचानना है कि कुछ लोगों को दंगा फैलाने की खुली छूट मिली हुई है, गोली मारने के नारे लगाए जा रहे हैं, वो कौन लोग थे जो इस कानून को लेकर आए और आज तक इस कानून को लागू नहीं कर सकते, इस कानून को लागू करने के नियम तक नहीं बनाए गए, लेकिन 2019 के दिसंबर में आप जाकर देखिए लौट कर, तो इस तरह से सब कुछ चिल्लाता था चीखता था सरकार की तरफ से कि इस कानून को सूर्योदय से पहले ही लागू हो जाना चाहिए ताकि दिन के निकलने से सूरज के निकलने के साथ ही हम सब इसे लागू करें और देश को बचा लें। मगर अब उस कानून का नाम वो उन इलाकों में ही जाकर नहीं लेते, अब उस कानून का खौफ मणिपुर में भी पैदा हो गया, वहां भी कुकी जनजाति के लोग इस बात से चिंतित है घबराए हुए हैं कि क्या कहीं ऐसा होगा कि हमें भी एनआरसी के की यातनाओं से गुजरना हो। तो मणिपुर को लेकर देख लीजिए या दिल्ली दंगों को लेकर, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी गृह मंत्री, उनकी जवाबदेही तय नहीं, आज तक तय नहीं। गोली मारने के जो नारे लगा रहे थे उनका मंत्रिमंडल में प्रमोशन हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा दिल्ली पुलिस से कि ये जो नारे लगा रहे हैं वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। इसके बाद भी जो व्यक्ति शांति की अपील करता रहा, शांति की बातें करता रहा, वो दंगों की साजिश के आरोप में जेल में इस तरह से बंद कर दिया गया। तो इस 1000 दिन को आप याद रखें, ये 1000 दिन सिर्फ उम्र के नहीं है, ये 1000 दिन भारतीय नागरिक समाज न्याय व्यवस्था की अफसोस के दिन भी हैं, उनके शर्म के भी दिन। नमस्कार, थैंक यू।